जहां पर अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके मनावा में फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से एक शख्स जान बहक जबकि दो जख्मी हो गए। मुलजिमान फायरिंग के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है। मनावा के इलाके शर्कपुरा में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया, दो जख्मी हुए। पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं मुलजिमान को गिरफ्तार करने के लिए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, इस अफसोसनाक वाकये के बारे में आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर मनावा के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि मनावा का जो इलाका है शरीफपुरा, जहां पर फायरिंग का ये वाकया पेश आया है जिसके नतीजे में एक शख्स जिसका नाम वसीम उर्फ नईम बताया जा रहा है वो हलाक, जबकि दो शख्स दो अफराद अल्लाह दिता और साजिद जख्मी हुए हैं। बताया ये गया है कि नईम उर्फ वसीम की जो है वो आइसक्रीम की शॉप थी, चिंग की पर दो लोग सवार होकर आए जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में नईम वसीम के सर पर गोली लगी जिससे वो वहीं पर हलाक हो गए। जबकि जी मलिक मुश्ताक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।